नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी को आप लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हां दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती की बहुप्रतीक्षित थर्ड काउंसलिंग की लिस्ट जारी कर दी गई है। छात्रों को लंबे समय से इंतजार था कि 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग की लिस्ट कब जारी की जाएगी और कब सभी को नौकरी करने का अवसर मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज यह रिजल्ट जारी किया गया है। इस प्रकार से आज से 69,000 शिक्षक भर्ती पर पूर्ण विराम लग गया और यह भर्ती पूरी तरह से सम्पन्न हो चुकी है और अब जो है नई भर्ती का छात्रों को इंतजार रहेगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से प्राथमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शासनादेश संख्या 456/68/5/2021 17/2020 दिनांक 17/5/2021 के अनुपालन में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन करते हुए NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से उत्तीर्ण अवशेष अभ्यर्थियों में से अनंतिम चयन जनपद आवंटन सूची प्राप्त कराई गई है। सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को जनपद स्तर पर दिनांक 28/6/2021 एवं 29/6/2021 को आवंटित जनपद में अभिलेखों के परीक्षण हेतु काउंसलिंग के लिए जनपदीय चयन समिति के समक्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रातः 10 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। समस्त प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं आज 69,000 शिक्षक भर्ती की बहुप्रतीक्षित लिस्ट जारी कर दी गई है और मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जिन छात्रों का चयन हो गया है बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है, किंतु जिन लोगों का चयन नहीं हुआ है उनको मायूस होने की बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय चुनाव का मौसम बन रहा है और इस चुनावी मौसम में बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं। आपको प्राथमिक विद्यालयों में 70,000 से अधिक एक और शिक्षक भर्ती देखने को अतिशीघ्र मिलेगी और यह भर्ती चुनाव के पहले पहले ही जारी की जाएगी। तो इस प्रकार से 1 से 2 महीने के अंदर प्राथमिक विद्यालयों में आपको एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। और भी बहुत सारी भर्ती हैं, इनमें भी आप तैयारी करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पर जो है 6,000 से अधिक, लगभग 6,500 लोगों को यहाँ पर आप देख रहे हैं लिस्ट जारी की गई है और बहुत सारे अभ्यर्थियों का इसमें चयन हो गया है। जिन लोगों को कटाप से सेकेंड काउंसिलिंग में जिन लोगों का रह गया था थोड़ा बहुत से, उन सभी लोगों का इसमें चयन कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने अभ्यर्थियों का चयन इसमें किया गया है। लास्ट पेज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 6,696 अभ्यर्थियों का थर्ड काउंसलिंग में चयन हुआ है। तो इस प्रकार से आज से 69,000 शिक्षक भर्ती का अंत हो गया है। चयनितों को मेरी तरफ से ढेर सारी